रमीज राजा भाईजान पैसा इंसान से कुछ भी करवा देता है। एक साल पहले या कुछ महीने पहले यही रमीज राजा इंडिया के खिलाफ जो है वो फजूल बातें, इंडिया के खिलाफ जो बार्किंग कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है इंडिया की बैठ के। और दोस्तों, रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, जब भारत ने मना करा था ना कि हम एशिया कप नहीं खेलने जाएंगे पाकिस्तान, तो इन्होंने बहुत हल्ला करा था। ये कमेंट्री के लिए किया हुआ है, कमेंट्री के ऊपर भी इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए थी। ये दोगलापन करता है, दो किस्म के बातें करता है। क्यों करता है इस तरह? इसको पाकिस्तान की टीम से रमीज राजा को बिल्कुल अलहदा करना चाहिए। ये हमें पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं है पसंद है आप लोगों को। दोस्तों, एशिया कप शुरू होने से पहले रमीज राजा ने भारत को कहा था कि अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम तो भारत आ गई, लेकिन रमीज राजा भी पैसों के लिए भारत में कमेंट्री करने आ चुका है। इस पर पाक मीडिया का रिएक्शन देखें। रमीज राजा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, इससे पहले कमेंटेटर थे, फिर चेयरमैन बने। चेयरमैन ये जब बंदा था, इसने क्या क्या बातें की। सबसे पहले बताता हूँ, एशिया कप 2022 जब किंग विराट कोहली के बल्ले से 100 निकला था अफगानिस्तान के अगेंस्ट 8 सितंबर, एज अ विराट कोहली फैन में वो दिन कभी नहीं भूल सकता। 8 सितंबर को मेरे किंग कोहली के बल्ले से 100 निकला था, 122 उसने मारा था। इस रमीज राजा ने पता क्या बात की थी उसके बाद? इस रमीज राजा ने बोला था कि कैचेस ड्रॉप हुए हैं, कैचेस ड्रॉप की वजह से विराट कोहली ने 100 मारा है, और 100 मारा भी किसके खिलाफ है? अफगानिस्तान के खिलाफ। इसने बोला था विराट कोहली के 100 को मैं 100 नहीं मानता, क्योंकि कैचेस ड्रॉप किए गए हैं। और बताओ ना, जितने भी कोहली के फैन हो, सोए हुए हो मेरे समेत? मैं तो नहीं सोया हुआ, मैं तो उठ गया हूं। मुझे तो पता है ना इसने बातें की हुई हैं। यार, बंदे में अकल होनी चाहिए। विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है, रिस्पेक्ट करो उसकी। आप पाकिस्तान की भी बेइज्जती करवा रहे हो दूसरे मुल्कों में जाके। ये बेइज्जती है ना कि पहले कुछ और बातें की और आप भाईजान जो इंडिया में जाके कमेंट्री करने के लिए बैठे हो, आप इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। और पैसा जो मिल रहा है उधर से, आईसीसी भी पैसा देगा, इधर से बीसीसीआई भी पैसा देगा, इधर से ये अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के इंडिया की तारीफें करके उधर से भी पैसा लेगा। और पैसा जो आ रहा है, पैसा थूक के चाटने वाली चीजें कर रहा है ये बंदा। अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान की बेइज्जती भी करवा रहा है ये, और बाहर बैठ के यशियां पेल रहा है। इसने विराट कोहली के अगेंस्ट बातें की थी। इसने बोला था कि विराट कोहली ने जो 100 मारा ना, वो एवं ही 100 है। सुन लो विराट के फैंस, ये रमीज राजा को किस तरह आपने एक्सेप्ट किया हुआ इंडिया में, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। उसके बाद रमीज राजा ने सितंबर 2022 में जब एशिया कप का फाइनल था, जब पाकिस्तान टीम को पेला था, जब श्रीलंका ने घंटा बजाया था मेरे बाबर का, या वो एक इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो नाम भी आपको जो है वो पता होगा, स्पोर्ट्स यारी के ऊपर वो बैठते थे। लाहौरी है ना ये, लाहौरी मतलब ये नहीं कि आप लाहौर के रहने वाले हैं इसलिए आप लाहौरी हैं। जो भी चूरन बेचे, जो भी पाकिस्तानी पंजाबी हो जो कि चूरन बेचे, मैं उसको लाहौरी कहता हूँ, ठीक है ना? तो लाहौर हैज गॉट नथिंग टू डू विद एन एरिया स्पेसिफिक, वो एक माइंड सेट है। तो ये लाहौरी चूरन इसने बेचा, इसने बोला कि आप बेंड अगर इंडिया यहाँ पे नहीं जाएगा तो हम भी नहीं आएंगे, ये वो दुनिया भर की बातें जो कि लाहौरियों की आदत होती है, ठीक है ना? इनकी जो लाहौरियों की जो जबान है ना, इनकी लाठी से लंबी है, लाठी छोटी है इनकी, जबान बहुत लंबी है इनकी। तो बींग अ लाहौरी, बींग अ पाकिस्तानी पंजाबी, इसने जो भंड मारना था मार दिया, और इसने बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि साहब वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, देखना अपने आप को क्या समझते हैं, बड़ा गुरूर है भारत को, बड़ा घमंड है, बड़ा एरोगेंस है, ये वो हम दुनिया भर की चीज़ हैं, ठीक है जी, दुनिया भर की चीजें, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, भारत तो नहीं गया, पाकिस्तान की टीम जरूर पहुंच गई हैदराबाद, पहला मैच हार भी गई, कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है। लेकिन इतने मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछता हूं यार, क्रिकेट अपनी जगह, उसको छोड़ो, क्रिकेट को मैं तो देखता भी नहीं, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक बात जानना चाहता हूं यार, तुम लोग इतने बड़े बोल क्यों बोलते हो? खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं, तुम लोग इतने बड़े बड़े बोल क्यों, तुम्हारी जबान इतनी लंबी क्यों है यार? हर चीज़ में बड़े बोल, फिर काम नहीं कर पाते तुम, फिर जलील होते हो, फिर रुसवा होते हो, फिर तुम्हें बुरा लगता है। इतने बड़े बोल किसने सिखाए तुम्हें बोलने यार, इतने बड़े बोल। अब देखो इसको, रमीज राजा को खुद बोला नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, अब वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। देखो, ये वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए खुद इंडिया आ रहा है, सबको बोल के कि मैं किसी को नहीं भेजूंगा। जहां पे इसको भारतीय पैसा दिखा, जहां पे पाकिस्तानियों को इंडियन मनी दिखाई दी, वहां पे जीभ लबलबाना शुरू हुई, मुंह से लार टपकना शुरू हो गई।
ये गैरत है, ये गैरतमंद कौम है, ये कलमा पढ़ के कौम बनी थी, ये जज्बे वाली कौम है, ये हाल है। जज्बे वाली कौम का रिपोर्ट कार्ड में दिखा रहा हूँ आपको। ये बंदा जो कह रहा था कि नहीं जाते तो तुम्हें इज्जत मिलती, उसे पीसीबी चेयरमैन से हटा दिया, अब उसका क्या कसूर है? हमारी जो टीम भी है ना, ये पैसे के लिए खेलती है, अगर मुल्क के लिए खेलेंगे ना ये कोई मैच ना हारे। इनको पैसा प्यारा है, कोई किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। हमने मैच देखने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये सट्टेबाजी करते हैं, उसमें मुलव्वस है सारी हमारी टीम और हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी मुलव्वस हैं। इसलिए इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती? क्योंकि इनको पता है कि हमको जितना जीत के पैसा मिलना है ना, उससे ज़्यादा हमें हार के मिल जाएगा। ये तो रमीज़ भाई का दोगलापन है, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था कि एक तरफ उन्होंने ऐसे किया जब श्योर नहीं था, और जब श्योर हो गया तो अब अपने पैसे कमाने के लिए वो चले गए हैं। ऐसे उन्हें नहीं करने चाहिए था, ये दोगलापन है, सोचे समझे बगैर ये बातें कर देते हैं, फिर आगे भुगतना पड़ती है इनको। ये तो आप पीसीबी के चेयरमैन को पकड़े ना सर, आप क्यों खेलने जा रहे हैं? नहीं तो सर, जब उसने बात की थी तो उसको नहीं जाना चाहिए था ना, कमेंट्री करने भी ना जाता। उसने बात की थी ना, उसने कहा था अगर मैं अगर वो अब पीसीबी का चेयरमैन होता फिर वो जाते, फिर आप ये बात करती। अब तो वो पीसीबी का चेयरमैन ही नहीं है, अब तो वो उसने पहले ही कहा था मैं कमेंट्री करूंगा। अब उन्हें पता है कि हमें पैसा आएगा, बात तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे पैसा मिलेगा मैं क्यों बैठूं इधर, ठीक है ना? तो वो हमें जलील करने के लिए ये बयान दे देते हैं, ठीक है ना? तो बाद में वो आप खुद चले जाते हैं, ठीक है ना? उन्हें ये नहीं पता, उन्हें क्या पता कि हमें बातें सुननी पड़ी हैं या नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे से काम है। इंडिया अपनी बात पे डटा रहा, इंडिया आया विश्व कप खेलने, पाकिस्तान नहीं आया ना। हमने 9 मैच श्रीलंका में करवाए, क्यों? क्योंकि इंडिया को हमने विश्व कप में खिलाना था। इंडिया ने अपनी बात मनवाई, क्या हम अपनी बात मनवा सके इंडिया से? हमें हमारी टीम को नहीं जाने चाहिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी क्या? अगर इस बार हमारी टीम वर्ल्ड कप में ना होती तो कोई मसला नहीं था। हमें अपनी टीम से मोहब्बत है, हमारे अपने मुल्क में रहते और इंडिया के साथ डट कर वो खड़े होते कि हम आप हमारे मुल्क में नहीं आए हो, हम आपके मुल्क में नहीं जा